गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 26 तारीख फरवरी 2022 और मैं भी जैसे ही सुबह सो के उठा तो यहाँ धनौल्टी में सुबह सुबह होने लगी है स्नोफॉल, ये देखिए। तो आज का प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि स्नोफॉल तो यहाँ पे ऑलरेडी हो ही रही है, कंटिन्यू अभी भी, और मैं ऐसी जैकेट्स वगैरह भी नहीं लेके आया जो स्नो वगैरह में पहनी जा सकती हो, यानी कि मेरे पास जितनी भी जैकेट्स हैं वो सारी हैं लेदर की, और एक है मेरे पास डेनिम की जैकेट मगर उसमें ठंड लगेगी बहुत ज़बरदस्त, तो वो नहीं पहनूंगा मैं, कुकड़ी बन जाएगी मेरी। तो आगे का प्रोग्राम ऐसा है कि अभी सो के उठा हूँ मैं, तो अभी नहा धो के तैयार होता हूँ और फिर अगर स्नो नॉर्मल हुई और हालात ठीक रहे तो हम जाएंगे पहले यहाँ का जो इको पार्क है वहाँ पर, और उसके बाद सुरकंडा देवी टेम्पल का हम लोग करेंगे ट्रैक। तो बहुत अच्छी बात हो गई, शुक्र है परमात्मा का कि स्नोफॉल बंद हो गया और अभी सब कुछ ठीक है, मौसम एकदम खुल गया है, हल्का हल्का सा धूप जैसा मौसम निकला है। तो अभी यहाँ से चलते हैं इको पार्क, थोड़ा सा कीचड़ वीचड़ हो गया होगा, और दूसरी जगह है सुरकंडा देवी, वहाँ भी चलते हैं। तो अभी मौसम एकदम फर्स्ट क्लास हो गया, A1। ओके रेडी, तो अभी निकलते हैं सीधा यहाँ से, पहले जाएंगे सुरकंडा देवी टेम्पल जो कि यहाँ से है करीबन 7 किलोमीटर। टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30। ओके जी, तो हमारी बाइक भी कोल्ड स्टार्ट हो गई है, मौसम में थोड़ी सी गर्मी हो गई है, जितना ग्रीन था सब मामला अभी वाइट हो गया है, मगर खैर शुक्र है परमात्मा का मौसम एकदम खुल गया है। तो निकलते हैं, जय श्री राधे। हाँ, हमें तो लग ही नहीं रहा था आज कि निकल भी पाएंगे, तो ये नज़ारे देख पाएंगे। सब ढक गया था, बिल्कुल सब ढक गया था। ओह, अभी ट्रैक भी करना है, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि वो जो ट्रैक करना है सुरकंडा देवी मंदिर का 1.5 किलोमीटर का, एक तो वो खड़ी चढ़ाई है, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैंने सारे राइडिंग गियर पहने हुए हैं क्योंकि मुझे वापस आके फिर दोबारा चेंज नहीं करना था, और अब ये इतने भारी हैं राइडिंग गियर्स, इनको लेकर मुझे ट्रैक भी करना है, चढ़ाई भी करनी है। वो देखो सामने वाला पहाड़ पूरा वाइट हो गया, पूरा वाइट, गजब है यार, गजब है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये देख रहे हो सारे वाइट हो गए पहाड़, कल तक ग्रीन थे ये सारे बेचारे। अच्छा लग रहा है मगर, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है वो इको पार्क, मैंने बताया था ना मेरे होटल से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पर क्या है, टिकट लगता है 35 रुपीज़ के आसपास का, और कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि क्लाइंब कर रहे हैं ना, झूमा झूला वगैरह, तो यहाँ बाद में घूमेंगे, पहले हम चलेंगे सुरकंडा देवी टेम्पल। बर्फ ही बर्फ है, इतना प्यारा लग रहा है, ऊपर बर्फ, राइट बर्फ, लेफ्ट बर्फ, मैं पूरा बर्फ के बीच में हूँ। आसमान से तो स्नोफॉल होना बंद हो गया है मगर इन पेड़ों से नीचे गिर रहा है, ये देखो इतना प्यारा लग रहा है यार, मैं बता नहीं सकता। चंबा सुरकंडा देवी टेम्पल सिर्फ 1 किलोमीटर है, नई टिहरी 35 और चंबा 24 किलोमीटर, तो हम सुरकंडा देवी टेम्पल से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, तो यहीं कहीं होगा। ओहो, और ट्रैक करके ऊपर चढ़ना होगा और वहाँ पे पड़ रही होगी बहुत सारी बर्फ, मज़ा आ जाएगा भाई साहब, आई लाइक इट, मज़ा आ गया। मैंने सच में कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में कि इतने प्यारे नज़ारे मुझे देखने के लिए मिलेंगे धनौल्टी में, सच में। जो लोग इस टाइम दिल्ली में है ना, सच में यार, सच में मिस कर दिया, मगर कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फाइनली पहुंच गए सुरकंडा देवी टेम्पल, यहाँ से ये ट्रैक शुरू होता है शायद ऊपर जाने का, और वहाँ से केबल कार भी जा सकती है मे बी यहाँ कहीं से, अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो पहले उतरते हैं नीचे, बाइक करते हैं यहीं पार्क, शॉप्सी वाली बंद है, हवा बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, क्या बताऊँ मैं, मुझे तो हेलमेट उतारने का दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा है हेलमेट के साथ ही चढ़ जाऊँ, ओ क्या करूँ मैं।
तो मैं पहुंच गया हूं यहां अपना टेंपल पे, और मुंह से देखो ऐसी ठंड के मारे कपकपी चल रही है, और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैं मफलर तो दिल्ली से लेके आया था, मगर कैप भी लेके आया था, वो मेरी रह गई रूम पर। तो अभी अंकल जी से एक कैप ली है, ये वाली, और पहन के ऊपर जा रहे हैं। अंकल जी ने बताया ऊपर माइनस में है टेम्परेचर। ओके अंकल जी, चलते हैं। ऐसे जाना पड़ेगा मुझे। ये आइस है पता है, ये देखो इससे पैर फिसलते हैं। अच्छा वो मैं ये वाले शूज़ पहनाया, मेरे शूज़ में ना नीचे एंटी स्किड का काम करते हैं पूरे, जल्दी से फिसलेंगे नहीं, क्योंकि ये बर्फ पे चलना पड़ रहा है। ये देखो, ओहो, अल्टीमेट वाली ठंड है भाई साहब। मजा। अपनी तो दबा के वाट लगने वाली है भाई। वो वहां है मंदिर, वो ऊपर वहां ढक गया है, मगर वहां है मंदिर। टेम्परेचर माइनस में कसम से, और राइडिंग गियर्स मैंने पहने हुए सारे। हवा इतनी जोरों से चल रही है जिसकी कोई हद नहीं। अरे और इतनी ठंडी है, बहुत ज्यादा। पंगा ले लिया ऐसे ही। सारी शॉप्स बंद हैं स्नोफॉल की वजह से, कहीं पे भी कुछ खाने पीने का नहीं है, पानी वानी नहीं है। तो इसलिए भाई अगर कुछ खाने पीने का मूड हो तो नीचे से लेके आना, ऊपर के सहारे मत रहना। ये ट्रॉली चलती है शायद, अभी मे बी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है इसकी वजह से बंद हो गई हैं। तो ये यहाँ से जाती हैं सीधा ऊपर सुरकंडा देवी मंदिर तक, वहाँ अभी बेचारी बीच में खड़ी हुई हैं, अच्छी लग रही है। थोड़ी सी दूर रह गया मंदिर अब यहाँ से, और ऑलमोस्ट मेरे कैमरे की बैटरी भी डाई पोजीशन पे है। तो अगर ये बंद हो गया तो फिर उसके बाद मैं फ़ोन से ब्लॉक करूँगा, और पता नहीं शायद फ़ोन भी डेड कंडीशन में ही होगा। तो ठंड बहुत है, बर्फ बहुत है, ये देखो। पहुंच के मंदिर पर, ये है मंदिर सुरकंडा देवी मंदिर, और कुछ छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे भी हैं, ये रहे। और बहुत ज़्यादा ठंड है, बर्फ बहुत है, और बर्फ में खेलने का मज़ा भी बहुत आ रहा है। पता नहीं ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाएंगे, कुछ नहीं पता, मगर बहुत अच्छा लग रहा है। खूब मजा आ रहा है भाई। गॉड, तो ये है माता का मंदिर, सुरकंडा देवी जी का। माता रानी के दर्शन करके अब हम बाहर आ गए, और यहाँ मौसम थोड़ा सा बिगड़ने वाला है, मौसम के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और दोपहर के बज रहे हैं 3, इसलिए रिस्क नहीं लेंगे, अब यहाँ से चला जाएगा। और मैं वैसे भी नंगे पैर हूँ, ठंड के मारे हालत ख़राब है, मगर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। फाइनली आ गए नीचे, दर्शन करके। जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ थी वहाँ मेल्ट हो गई। अब तो ये जो जितने पेड़ दिख रहे हैं पीछे मेरे, इन पे सब पे बर्फ थी, अभी मेल्ट हो गई। अब यहाँ से जाएंगे सीधा अपनी बाइक पे।
ओके तो टाइम हो गया, शाम के बज गए हैं 4:25 और दर्शन करके हम निकल रहे हैं अब सीधा अपने होटल की तरफ। कि जनरली यहाँ पे सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है क्योंकि दिल्ली से, पंजाब से और सबसे ज़्यादा देहरादून से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, मगर आज थोड़ा कम लोग आए बिकॉज ऑफ स्नो। स्नो बहुत हो रही थी ना, तो यहाँ स्नो हो रही होगी, पीछे जो नीचे के एरिया थे वहाँ बारिश हो रही होगी खूब ज़ोरों से शायद इस कारण से। तो इस वजह से भीड़ बिल्कुल नहीं थी आज, बहुत अच्छे खुल के दर्शन हुए, अच्छा लगा और नज़ारे देख के तो दिल्ली खुश हो गया था यार। ये तो ऐसे हैं जो दिखते ही रहेंगे, बंद ही नहीं होते हैं। बहुत अच्छा लगा धनौल्टी आके यार, दिल खुश हो गया। बात करें ना, हर मोड़ पे ऐसे मुड़कर ऐसे मुड़ो तो सारे नज़ारे बदल जाते हैं, ये देखो। है बिल्कुल सही बात, ऐसे मुड़ो और नज़ारे चेंज। प्रकृति कितनी खूबसूरत है और इंसान है कि बम बारूद परमाणु बना बना के बैंड बजाने के लिए तैयार है इस पृथ्वी पर। तो देहरादून है यहाँ से 56 किलोमीटर, मसूरी 31 और धनौल्टी 5। हमें जाना है सीधा दिल्ली। क्या लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि जैसे ही स्नो बंद हुई 12 बजे, जैसे ही बंद हुई मैं बिल्कुल तैयार तो बैठा ही था 1 घंटे पहले से, बंद होते ही सीधा मैंने बाइक उठाई और मैं निकल पड़ा यहाँ के लिए। और उससे भी अच्छा डिसीजन ये लिया कि पहले मैंने इको पार्क जाने का फैसला बिल्कुल नहीं किया, मैंने कहा पहले सीधा सुरकंडा देवी मंदिर होके आते हैं क्योंकि वो दूर है, वो ज़्यादा है और वो पार्क था तो मैंने सोचा पार्क तो पार्क ही होते हैं इस वजह से। और उसका इतना प्लस पॉइंट हुआ यार, आप लोगों ने देखा ही कि कितने प्यारे नज़ारे देखने को मिले, स्नोफॉल लाइव हुई और गजब का एक्सपीरियंस हुआ यार, अल्टीमेट माइंड ब्लोइंग। ओहो फिर स्नो हो रही है, हाय हाय। कहा था कि ये संभव ही नहीं है कि मैं कहीं पे राइड के लिए जाऊं और वहाँ बारिश ना आए, तो स्नो के बाद अब यहाँ बारिश भी आ रही है, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि हम जहाँ जाएं और वहाँ बारिश ना हो। भाई भगवान जी कभी तो यार, अब तो मैंने 110% डिसाइड कर लिया है कि मैं राजस्थान भी जाऊँगा और वैसे ही गाँव में जाऊँगा जहाँ बारिश कभी आई ना हो। मैं देखना चाहता हूँ कि सच ये बात सच है क्या कि जहाँ भी जाता हूँ बारिश आती है। हम धनौल्टी आ रहे थे, उस वक्त हम एक रेस्टोरेंट पर रुके थे, वहाँ आंटी जी मिली थी जो कह रही थी कि नहीं फरवरी का महीना है, बारिश बारिश नहीं आएगी, बस बादल ऐसे लग रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि आंटी जी मैं आया हूँ यहाँ पर, गजब बेइज्जती है। मैं आया हूँ, टेंशन ना लो बारिश होएगी, और वही हुआ, हम यहाँ जाए और वहाँ बारिश ना हो। ऐसे अपने होटल पे, ये रहा अपना रूम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।